पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस, अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद सकलैन जावेद से। सकलैन जावेद, बताएगा उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इस्तदा मिल जाएगी, जिस्मानी रिमांड में इजाफा होगा, लेकिन अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। तो मौजूद है एहतसाब अदालत के रूबरू, जहाँ पे एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अदालत ने मुल्जमान को अब दोबारा 16 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। आज नैब प्रोसिक्यूटर वारसली जंजुआ की तरफ से ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के 15 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए ख्वाजा साद रफीक वारा को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। ख्वाजा बरादरान 53 रोज का जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं, जिनमें 16 रोज के लिए उन्हें राहदारी रिमांड पर भी भिजवाया गया था इस्लामाबाद द्वारा। यूं 53 रोज बाद अदालत पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस, अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। शुक्रिया मोहम्मद सकलैन जावेद तफसीलात से आगाह करने के लिए।